अगर ऐसा रहता ना तो छुपके नहीं दफना पे आदमी ऐसा ही बोला के चार को लेके दफना। अब बाबा इधर खास लो, अब आ जाएंगे वो अलग लेनी पड़ेगी, ये सामान से अलग लेनी पड़ेगी, ये करने पड़ेंगे इसके वो भी कुछ करेंगे इसको तो नहीं है। अरे कौन फर्श था तो मेरा हमारा एजुकेशन टीचर तक तक करता था, कभी इनका हुआ तो मुझे मेरे फोन किया केयर होना चाहिए भैया, कांटा लग जाएगा। पुलिस इतनी थिली नहीं, बाबा से थिल लो तो मान जी कैसे कितना थिल लो। व्यवहार इसका अच्छा होता था, व्यवहार बहुत बहुत अच्छा था। चाय पिलानी, पानी पिलाना, मोरों को दाना डालना, चिड़ी को दाना डालना, बाजार से लाकर डालता, बहुत बढ़िया आदमी था। अरे बच्चे का नाम रोल लिख लो, अपना बच्चे ने सबसे पहले देखा था ना रखी जैसे वो तो इसे लगाई थी, आजाद ने लगाई थी, लगाई थी ये तो गाड़ी है। हाँ गाड़ी गाड़ी ट्रेनिंग के दिन याद दिला रहे हैं। इसी गुड्डे में था सर, ये बच्चा कल आया था तो इसने बकरियां चलाते, इसने सोचा कोई ये रास्ता आता नीचे से आता था, अलग अलग हमारी दुर्गा जी निकला, इसने सोचा कोई धनी धन जड़ा हुआ होगा चेक कर लेते हैं। उसने देखा तो पत्थरों के से शक हुआ, फिर इसने खो देखा तो एक हड्डी दिखी पैर वाली ऊपर जो हड्डी है ना सर वो, तो इसमें थोड़ा सा फॉरेस्ट होता है इन्होंने देखा ये फॉरेस्ट गार्ड है ये दोनों, और ये हमारे ये केतल गार्ड है ये दोनों, दोनों बताए इनको बताए इन्होंने फोटो खींची इनको मौके पे भेजा मैंने, मैंने कहा तुम मतलब चेक करके आओ। इन्होंने सुबह फिर आके इन्होंने चेक किया, इनको भी हड्डी दिखी ना, फिर ये यहाँ का कोई बकरी चराने वाले ने किसी ने पत्थर के नीचे कोई हड्डियाँ देखी, उसने फॉरेस्ट वालों को इतला दी कि साहब इस प्रकार से कोई मानव हड्डियाँ दिख रही है, इस पर आके चेक किया तो ये बहुत पुरानी डेड बॉडी है जिसके बारे में पता किया जा रहा है किसकी है कहाँ से है। सर क्या मर्डर का मामला हो सकता है? अभी तो कह नहीं सकते किस प्रकार का, आइडेंटिफाई होने के बाद में पता पड़ेगा। सर कहाँ का बताया जा रहा है कुछ ऐसी जानकारी, कहाँ का बताया जा रहा है जानकारी प्राप्त करने के बाद आपको बता।